कि दे आर नॉट गोना गिव PSW सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल 300 एप्लीकेशन तो मेरी रिजेक्ट की है. तो आई थिंक अब्रॉड आना इज नॉट फॉर यू. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज प्रियंका खुमान. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अभी चल रहा है कि इज इट वर्थ टू कम टू UK इन 2024 और नॉट. एंड ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो मतलब UK गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स अनाउंस किए हैं और जिसकी बातें मतलब सब लोग कर रहे हैं कि भाई ये सारे जो रूल्स उन्होंने डाल दिए, क्या वाकई में हमें मतलब UK आना चाहिए या नहीं, या फिर यू नो इज इट अ गुड प्लेस टू माइग्रेट राइट नाउ और नॉट. तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो एंड तक देखेगा इस वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिसेंटली UK गवर्नमेंट ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड वीज़ा. और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अभी पता होगा कि मतलब क्या वो चेंजेस किए हैं, लेकिन जो कुछ इंडिया में बैठे हैं स्टूडेंट्स या फिर जो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मतलब उन्हें UK आना और उन्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए, तो हियर इट गोज के कुछ ऐसे रूल्स उन्होंने अनाउंस किए हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं वो अब अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है. स्टूडेंट्स के नॉट ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स एनी मोर. तो अगर आपके मतलब हस्बैंड और वाइफ इंडिया में है एंड यू आर थिंकिंग कि अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो आप उन्हें डिपेंडेंट पे नहीं बुला सकते हैं. दूसरा जो है वो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसकी जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी बढ़ा दिया उन्होंने मतलब. एंड इट डज नॉट मेक सेंस, बट उन्होंने जो 26,000 पाउंड्स था उससे लेकर के 38,700 तक कर दिया है, विच इज़ लाइक टू मच यू नो. तो इतना सारा मतलब नॉर्मल UK के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी इतना अर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट इम्पॉसिबल लेट से, बट ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसी हाई क्वालिटी की स्किल्स चाहिए यू नो एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. तो ऑब्वियसली कि ये बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो 38,700 तक का यू नो कोई मतलब जॉब पोजीशन वो अप्लाई करे और उन्हें वो जॉब मिल जाए. तो विच इज़ लाइक क्वाइट हाई अकॉर्डिंग टू मी. एंड बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये अभी एक प्लान है जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने अनाउंस किया है. और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये मतलब अप्लाई हो जाएगा स्प्रिंग 2024 से, विच इज़ मार्च 2024 से. तो अभी ये बातें हवा में है, तो 100% मतलब डिसाइड नहीं हुआ है अभी इस पर कि ये करेंगे या नहीं. और एक चीज़ है कि जो रीसेंट ग्रेजुएट्स है जिस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ और जिस कैटेगरी में आप लोग भी आएंगे, तो जो रीसेंट ग्रेजुएट है वो 2-3 साल तक दे आर कंसिडर एज रीसेंट ग्रेजुएट. बिकॉज ऑब्वियसली हम डायरेक्टली यूनि से बाहर निकल करके डिग्री के साथ यू नो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप इतनी बड़ी मतलब जॉब आप मतलब इतनी हाई पेइंग जॉब आपको नहीं मिलेगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. तो उनके लिए ये रूल नहीं लागू पड़ता है. शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, तो इसमें है ना मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो बेसिकली ऐसी जॉब्स है जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है. और मतलब लेट से कि अगर वो शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए कि वो इस मतलब इसमें काम कर सके, राइट. तो उसमें भी आप चेक कीजिए कि आपका जो फील्ड है अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में कंसिडर होता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी हाई थ्रेशोल्ड ऑफ 38,700. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके, बिकॉज इट डज नॉट अप्लाई इन दिस कैटेगरी. और फिर हेल्थ केयर वीज़ा पे जो वर्कर्स है वो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं ला सकते हैं. तो ये भी उनका एक अनाउंसमेंट है कि दे कैन नॉट ब्रिंग देयर फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स. और इफ दे डू सो तो उनका भी कुछ एक अमाउंट सेट किया है, उन्हें उतना अर्न करना होगा एंड दैट अमाउंट इज अगेन इक्वल टू 38,700 पाउंड्स. तो अगर वो उतना अर्न कर पाएंगे देन एंड देन ओनली दे आर एबल टू ब्रिंग देयर फैमिली हियर इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिली. सो ये एक उनका अनाउंसमेंट है. और फिर दूसरा जो सबसे लास्ट जो मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज है स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो मास्टर्स के लिए आते हैं या फिर बैचलर्स के लिए उन्हें उनका मेन ये है कि PSW मिलेगा या नहीं, ग्रेजुएट वीज़ा जो 2 साल का मिल रहा है वो मिलेगा या नहीं. तो अभी जो भी बच्चे अभी करंटली है उन्हें वो मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब स्टार्ट किया था तब आपका ईयर 2024 नहीं है, आपका जो स्टार्टिंग ईयर है आपकी यूनी का
उसमें यू नो दे हैव अप्रूव्ड इट, सो PSW आपको मिलेगा ही मिलेगा. ये बंद करेंगे अगर करेंगे तो ये उनके लिए अप्लाई होगा जो आने वाला है. इट डज नॉट अप्लाई टू जनवरी 2024 बैच एज वेल, इट विल अप्लाई आई थिंक आफ्टर. तो अभी जो सितंबर में आएंगे शायद 24 में, उनके लिए अप्लाई हो सकता है, बट जनवरी में जो आ चुके हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा. तो ऐसा मतलब कुछ लिखा नहीं है कि दे आर नॉट गोना गिव PSW टू द यू नो रीसेंट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा. जो आ चुके हैं यहाँ पे उन्हें पक्का मिलेगा PSW. ये बात हो गई इमिग्रेशन की, तो ये एक रीजन है कि भाई अभी 50-50 हो रहा है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऐसे मतलब डाउट्स है. दूसरा जो है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग और एकोमोडेशन क्राइसिस. ये भी एक चीज़ है जो आप लोग को देखनी चाहिए बिफोर मूविंग टू UK. कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं यहाँ पे. मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल पहले ना इतना महंगा, मतलब ऑब्वियसली तब भी महंगा था, पर अगर उसकी कंपेरिजन में मैं अभी के एक्सपेंसेस को मैं मैच करूँ ना, तो अभी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए इन टर्म्स ऑफ लाइक फूड, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ रेंट, एवरीथिंग इज अप, एवरीथिंग. तो ये एक चीज आपको देखनी चाहिए. और अकोमोडेशन क्राइसिस, मतलब यहाँ पे इतने बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मैसेज करते हैं कि घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, बट ये क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे. इट्स लेजिट लाइक के इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड रूम हियर, लाइक यू नो प्रॉपर. और फिर इन द एंड यू एंड अप पेइंग लाइक 800-900 pounds फॉर अ रूम. तो वो भी मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि आपका ऑलमोस्ट जो आप कमा रहे हो आप सब रेंट में डाल देते हो, बिकॉज यहाँ पे घर ही नहीं है. तो फिर आपको रहने के लिए तो अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट? सो देन पीपल एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी इन रेंट. तो यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है अभी, तो ये भी एक मतलब चीज़ है जो आपने कंसिडर करनी चाहिए बिफोर मूविंग टू UK. अभी तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि जॉब्स और जो यहाँ का मतलब जॉब सिनेरियो क्या चल रहा है. बहुत लोगों को होते हैं डाउट्स कि भाई चलो ग्रेजुएट हो गए उसके बाद क्या जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यू नो. और वो वाली जॉब मैं उसके बाद कर रही हूँ जो प्रोफेशनल जॉब है, नॉट लाइक यू नो पार्ट टाइम जॉब्स. पार्ट टाइम जॉब्स करना बहुत ईजी है, यहाँ पे मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब्स. बट जो फुल टाइम जॉब है और जो जॉब आप आपकी फील्ड के रिलेटेड ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो ये थोड़ा सा है ना, ये ट्रिकी चीज़ है जॉब ढूंढना फुल टाइम, और स्पेशली आपकी फील्ड जॉब ढूंढना. अभी लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ. मैं ग्रेजुएट हुई जुलाई में एंड मुझे जॉब मिल गई थी जनवरी में. जनवरी में मैं अपना डिजर्टेशन लिख रही थी एंड आई गॉट माई जॉब व्हेन आई वॉज राइटिंग माई डिजर्टेशन. बट इट हैपेंड बिकॉज यू नो थोड़ा सा माउथ पब्लिशिंग से भी हुआ. आई हैड सम फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन लेबोरेटरी, सो दे सजेस्टेड मी के अप्लाई ओवर हियर, यू नो, एंड आई जस्ट रैंडमली सेंड माई CV एंड लाइक दैट. एंड लकीली उनको भी मतलब दे वर लुकिंग फॉर मोर पीपल, सो या दे थॉट दैट आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपीरियंस एज इन स्टडी का जो मेरा एकेडमिक्स है इट मैचेस विद द लेबोरेटरी. सो देन आई गॉट द जॉब, यू नो. सो आई गॉट द जॉब बिफोर आई इवन फिनिश्ड my like degree. I didn't even submitted my dissertation and I got the job. Like just next week मैंने submit किया and then I got the job. बहुत मेरे कुछ जो मेरे ही साथ वाले friends हैं they are still looking, they are still doing the जो वो part time jobs कर रहे थे ना restaurant या hotel में, अभी उसको वो full time कर रहे हैं, but वो अपनी field job नहीं कर रहे. I was applying before as well, but मेरे application successful इसलिए नहीं हो रहे थे because they were looking for someone who has a little more experience, like let's say 1 year का experience, or फिर you know थोड़े से ऐसे जगह पे उन्होंने मतलब experience काम किया है नहीं, या PCR में या COVID में, या फिर you know handling patients and handling phone calls and like that. तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं सीखती गई, जैसे जैसे मुझे training मिलती गई ना, I started applying it in on my CV, I started tailoring my CV, and I have done more than 350 applications. ये 350 एक कॉमन मैं रेशियो बता रही हूँ आपको, उससे ज़्यादा मैंने applications की है. और you know more than 300 applications तो मेरी reject की है, मतलब इतने सारे मेरे emails में unsuccessful के emails है that I was losing my patience. Like क्योंकि ना आपको फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हो आपकी कहाँ गलती हो रही है, इतना अच्छे से टेलर कर रही हूँ CV, कहाँ गलती हो रही है. तो ये सारी गलतियां मैं कर रही थी. और इंटरव्यूज भी हुए, कुछ इंटरव्यूज मतलब बड़ी पोजीशंस के लिए हुआ, जैसे कि मेडिकल सेक्रेटरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें भी ये चीज़ हो गई कि दे वर लुकिंग मोर, लाइक यू नो दे वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम मी.
विच अगेन सम्स अप कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइक एक्सपीरियंस. तो ऐसे ऐसे भी हो रहा है यहाँ पे. तो ये मतलब जॉब्स का ये ट्रिकी बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, यू नो. बट आई वुड से कि प्लीज कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, डोंट लूज पेशेंस, यू नो. क्योंकि आसान नहीं है इतनी, मतलब यू नो क्या बोलते हैं, 25,000 और 26,000 की जॉब ढूंढना, इट्स नॉट ईजी. बट कीप ट्राइंग. इंटरव्यूज दोगे, यू सी, अगर आपका जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो रहा है, दैट मीन्स अगर आपको इंटरव्यू आ रहा है, दिस इज अ गुड साइन. आई ऑलवेज टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली. लाइक आई टेक, इफ आई एम गेटिंग इंटरव्यू, आई टेक दैट ओके मेरे एप्लीकेशन सही जा रहा है, दे अंडरस्टैंड के शी कैन, लाइक यू नो, शी कैन बी गुड फॉर द पोजिशन, सो लेट्स इंटरव्यू हर. अभी इंटरव्यू, अगर आप जितने भी इंटरव्यू दोगे ना, दे विल प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. सो इंटरव्यूज प्रिपेयर करते हैं आपको हमेशा. सो ऑब्वियसली अगर आपके इंटरव्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ. सो या जस्ट डोंट लूज पेशेंस, यू नो. जॉब्स है, बस अपनी स्किल डेवलप कीजिए, बिकॉज विदाउट स्किल्स कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर लाइक वर्किंग, इफ योर मेन गोल इज टू मेक मनी, यू नो, एंड विदाउट लाइक डेवलपिंग योर स्किल्स, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन अब्रॉड कंट्रीज. इट डज नॉट वर्क एनीवेयर. यू नीड स्किल्स, यू नो. डिग्री एड करती है आपके क्वालिफिकेशन को, बट आपकी स्किल्स जो है ना, इट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक यू फर्दर. इट्स गोइंग टू टेक यू वेर यू एक्चुअली वांट टू बी. सो प्लीज डेवलप योर स्किल्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो दूसरा जो रीजन है, जो यू नो यू नीड टू लुक इन टू, इज यू नो यू विल ऑलवेज फील लोनली एंड यू विल ऑलवेज मिस योर फैमिली, यू विल फील होम सिकनेस. ये बहुत ही कॉमन है और ये हर एक बंदे के साथ होता है, यहाँ पे सभी के साथ होता है. यू, देर आर टाइम्स वेर यू फील सुपर लोनली, यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग हियर, यू फील लाइक यू नो इट्स लाइक नॉट वर्थ इट टू बी हियर राइट नाउ. लाइक आप इतना, मतलब यू नो, आपको वापस जाना होता है, ये वो, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती है यहाँ पे वेर यू मिस योर फैमिली द मोस्ट. तो ये बात तो है ना, आप लोग को, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज गोइंग टू हैपन. लाइक यू नो, नो वन कैन एक्चुअली रन अवे फ्रॉम इट. ये होगा ही. मेरे साथ होता है, बहुत बार होता है, अभी भी होता है. कभी कभी लेजिट मेरे पास कुछ नहीं होता ना करने को, आई फील वेरी लाइक बोर्ड बिकॉज आई एम लिविंग अलोन, आई फील बोर्ड एंड लाइक दैट. तो ये एक फेज है, यू नो. बट ये फेज कभी कभी बहुत लंबा होता है, कभी कभी बहुत छोटा भी होता है कुछ लोगों के लिए. तो आई वुड सजेस्ट के यू नो थिंक अबाउट दिस. अगर आप उनमें से है जो अकेले नहीं रह सकते हैं, तो आई थिंक अब्रॉड आना इज नॉट फॉर यू. लाइक इट विल बी वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक यू नो they just like after they finish studies they just move back because they cannot live alone. Or jaise rules aa rahe immigration ke bhai aap, you cannot bring your spouse or you cannot bring your dependent. To ye mai matlab thoda fir sochne ki baat hai ki kya aap reh sakte ho akele yahan pe ki nahi. Aur fir to sum up, the last thing is the culture shock jo bahut log face karte, especially you know us as an Asian or us as an Indians, we have a really different culture compared to the Western countries. तो एक culture shock भी, मतलब बहुत लोग face करते हैं, बहुत लोग set नहीं हो पाते हैं जो environment है उनके surrounding में. अब क्या है कि one thing that I really like about UK is that they mind their own business. They don't care क्या चल रहा है आपकी life में, you know. तो ये काफ़ी हद तक अच्छी बात भी है, काफ़ी हद तक अच्छी बात नहीं भी है. क्योंकि ऐसे सबको पता होगा कि क्राइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यू नो. बहुत लोग मतलब डरते भी है अकेले जाने में. तो लेट से कि किसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है, और अगर किसी ने देखा कि भाई हाँ इसके साथ ये गलत हो रहा है, तो दे आर नॉट गोना कम एंड जम्प एंड सेव यू. ये नहीं होगा यहाँ पे. बट यहाँ पे ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अलग है. और ये एक बहुत बड़ा शॉक है जो मुझे तो मतलब पहले ही लग गया था कि भाई यहाँ पे तो अगर लेट से कुछ भी गलत हुआ आपके साथ, नो वन इज गोइंग टू लाइक कम एंड सेव यू. यू नो, यू आर ऑन योर ओन. सो बेसिकली जो टर्म है ना, यू आर ऑन योर ओन, ये एकदम परफेक्ट जाता है जब आप अब्रॉड रहते हैं. तो ये एक चीज है जो आपने ध्यान रखनी होगी. डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनी वन हियर. सो प्लीज खुद तैयार होके आइए. सो टू सम अप, दैट इज इट अ गुड टाइम कमिंग टू यूके और नॉट इन 2024, और इज इट वर्थ कमिंग टू यूके और नॉट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे. पहले जो, जैसे मैंने पूरे वीडियो में बात की, मैंने आपको रीजंस भी दिए, यू नो, कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होगी बिफोर कमिंग टू यूके. और मैंने आपको जो लॉज चेंज हुए उसके बारे में भी मैंने बताया. फिर जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है,
तो उसमें कैसी कैसी स्किल्स आपको चाहिए होगी इन ऑर्डर टू यू नो गेट सम गुड लाइक हाई पेइंग जॉब, तो वो आपको देखना होगा. और आई थिंक या डिसीजन तो अल्टीमेटली आपका ही होगा. सो डिसाइड वॉट एवर इज बेस्ट फॉर यू. और जो बच्चे यहाँ पे है यूके में, यू नो, अगर मैं यही कहूँगी कि अब यहाँ पे आ गए हो तो डोंट लुक एट द नेगेटिव साइड. यू नो, आ गए हैं तो फिर ये सोचो कि अभी यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या करना चाहिए कि यू नो आपके जो आप गोल्स आपने सेट किए वो कंप्लीट हो सके. तो डिसीजन कंप्लीटली आपका होना चाहिए, बट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स. यू नो, डोंट लुक एट द नेगेटिव साइड्स, डोंट फॉलो हर्ड. अगेन आई विल से, डोंट फॉलो यू नो द हर्ड, फॉलो योर ओन पाथ. क्योंकि आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके जो भी आपने मतलब सोचा है वो कम्प्लीटली अलग है, और वो आपको ही करना होगा अल्टीमेटली. सो प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स एंड होपफुली के एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. होपफुली एवरीथिंग हैपन्स गुड फॉर एवरी वन. आई ऑलवेज विश गुड फॉर एवरी वन, लाइक एज यू गाइज विश गुड फॉर मी. तो आई होप कि जो भी डिसीजन्स आएगा 24 में, आई मीन अपकमिंग जो स्प्रिंग में, वो बेनिफिशियल हो सबके लिए, यू नो. एंड नहीं होगा तो वी विल डू समथिंग, वी विल डेफिनेटली, लाइक अभी आए हैं तो करना ही पड़ेगा. ये माइंड सेट के साथ, यू नो, आई विल एंड दिस वीडियो. एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, यू नो गाइज दैट. सो एनी वेज, आई एम गोना एंड दिस वीडियो नाउ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, टेक केयर, बाय.